हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दक्षांश एंड मॉम्स लोग। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज का मैं ब्लॉग स्टार्ट करने जा रही हूँ नवरात्रि के एक दिन पहले का। तो ये जो आप थोड़ा मैसी मैसी से देख रहे हैं ना, यहाँ पे पूजा की सफाई हो के उसके बाद मंदिर वगैरह का सब कुछ उसकी तैयारी हो रही है। और क्योंकि मैं नहीं कर सकती हूँ कई बार मंदिर की सफाई, तो इस वजह से ये और मम्मी दोनों साथ मिलकर कर रहे थे। यहाँ मैं अभी ऊपर आई थी तो यहाँ कुंज की और लाड़ू की चल रही है मस्ती। ये दोनों पता नहीं कौन सा गेम खेल रहे हैं, क्या ये खेल रहे हैं, अभी सुनाती हूँ मैं आपको। पालकी पालकी मारो मम्मी जी, ये तो लड़ने तो थोड़ा बच्चा हरा दे। और वहाँ बच्चों की चल रही थी मस्ती। और यहाँ देखो मेरे इतने सारे पार्सल्स रखे हैं जो मैंने कुछ ओपन कर लिए हैं और कुछ मुझे ओपन करने हैं, और उसके बाद मुझे इनकी बनानी है वीडियो, इनकी वीडियो शूट करनी है, एक ज्वेलरी हॉल मुझे बनाना है। तो ये मेरी जो भी कुछ रखा है ना, सारी मेरी ज्वेलरीज रखी हैं। एंड एक ज्वेलरी को कैरी करने के लिए इसमें एक बैग है। और यहाँ पर मैंने बनाई अपनी यूट्यूब वीडियो, और यहाँ मैंने बनाई अपनी यूट्यूब वीडियो। और उसके बाद अभी है मतलब शाम को मैंने बनाई थी, ये 5 बजे के आसपास मैंने अपनी वीडियो बनाई। और फिर उसके बाद बच्चों की डिमांड थी कि हमें पिज़्ज़ा खाना है, तो क्योंकि नवरात्रों में हमारे पूजा वगैरह का उसको सॉरी प्याज वगैरह का कुछ नहीं बनता है, तो उसकी वजह से फिर हमने मंगवा दिया आज, क्योंकि पिज़्ज़ा में प्याज वगैरह वो डली होती, तो उस वजह से बच्चे खाते हैं। क्योंकि 9 के 9 दिन बाहर का कुछ भी फास्ट फूड हमारे लिए नहीं आएगा किसी के लिए भी, तो उस वजह से बच्चों के लिए मंगवा दें। और यहाँ बच्चे खा रहे थे पिज़्ज़ा, उधर चल रहा है उनका कार्टून। तो उसके बाद अब हो चुकी है सुबह, और मॉर्निंग में मैं नहा के जल्दी से रेडी हो गई हूँ। और अभी मैंने ना कुंजू को स्कूल भेज दिया क्योंकि इसकी छुट्टी नहीं थी, और ऑलरेडी इसकी अभी 2 दिन पहले ही सैटरडे संडे एंड फ्राइडे की भी इसका ऑफ था, तो 3 दिन की ऑलरेडी छुट्टी हो गई थी, तो उस वजह से मैंने इसको स्कूल भेज दिया था। और अब बस मैं रेडी हो गई हूँ और उसके बाद मैं जाने वाली हूँ नीचे। तो अभी ना मतलब नीचे जाने से पहले भी मैंने लाड़ो को नीचे भेज दिया था रेडी करके, और बाकी का जो इनका क्योंकि इनका भी व्रत होता है, ये भी व्रत रखेंगे, तो उस वजह से मैंने इनका भी जो नाश्ता वगैरह था वो काफ़ी कुछ उसकी तैयारी कर दी थी, जैसे आलू बॉयल वगैरह करने थे तो वो मैंने पहले ही कर दिए थे। और यहाँ पर बंधनवार जो था वो पापा जी ने दिया था इनको बांधने के लिए, कि गेट पे इसको बांध के आओ, मतलब सारे मेन गेट्स जो हैं उन पे बंधेगा, यहाँ पे भी, फिर ऊपर वाले फ्लोर पे, मतलब अलग अलग उस पर हर जगह गेट पे ये बंधनवार जो है पापा जी ने बनाया था और फिर इनको दिया था कि, तो ये इसको बांध रहे थे यहाँ पर साइड में, दोनों तरफ से ये इन्होंने बांध दिया था। एंड इसके बाद फिर हमारे गेट पे बनता है नवरात्रि में स्वास्तिक बनाते हैं, तो यहाँ पर ये अब बना रहे थे स्वास्तिक। और टाइम अराउंड 7:45 के आसपास हो गया था, और क्योंकि आज ना थोड़ा जल्दी भी था क्योंकि किसी की भी छुट्टी नहीं थी, तो उस वजह से पापा जी को भी जल्दी जाना था। एंड ये भी फैक्ट्री जाएंगे ही, क्योंकि मोस्टली क्या होता था कि छुट्टी हो जाती थी फर्स्ट नवरात्रि पर, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा होता था तो पापा जी की और छुट्टी हो जाती थी, लेकिन इनको तो फैक्ट्री जाना ही होता था। तो यहाँ पर बस सबने जल्दी जल्दी किया है अपने पूजा वगैरह की, मतलब थोड़ा थोड़ा करके जो अपनी लौंग वगैरह चढ़ानी होती है वो करने के बाद। पापा जी भी यहाँ पर स्कूल चले गए थे और कुंज ऑलरेडी जा चुका था, लाड़ों को भी मैंने रेडी करके यहाँ पर बैठा दिया था। वरना तो हर बार क्या होता है, अगर छुट्टी होती है ना तो लाड़ों को प्रॉपर मतलब वो कपड़े पहनाए जाते हैं देवी माँ के, उस टाइप से मतलब छोटी कन्या के रूप में इसको बिठा के इसका श्रृंगार वगैरह किया जाता है। और यहाँ ये बना रहे थे अंगारी जिस पर हमको लौंग चढ़ानी है, तो यहाँ ये उसको कर रहे थे, और क्योंकि मैं नहीं कर सकती हूँ तो उस वजह से इनको थोड़ा करना पड़ रहा था। और बाकी की जो चीज़ें थी वो सभी पहले से ही मम्मी ने रेडी कर दी थी, क्योंकि एक दिन पहले तो मंदिर की सफाई वगैरह वो सब कुछ हो ही जाता है, और बाकी जो सुबह की वो थी मतलब माता की चौकी वगैरह लगानी थी, तो वो सुबह को मॉर्निंग में मम्मी ने लगा दी थी। यहाँ रुद्रांश भी उठ के आ गया है, एंड इसके बाद अब हम बैठ के हम चढ़ाएंगे अपनी लौंग बारी बारी से। तो यहाँ पर अब पापा जी चढ़ा रहे हैं, उसके बाद ये चढ़ाएंगे, लाड़ू चढ़ाएंगे, भैया चढ़ाएंगे, तो बाकी सबकी यहाँ पर चढ़ जाएंगे लौंग। और उसके बाद पूजा करने के बाद यहाँ पर बस पापा जी अपनी लौंग चढ़ा कर ही चले जाएंगे स्कूल, और उसके बाद होगी बाकी का सारा काम। Thank you.
तो यहाँ बस अब हमारी पूजा होने ही वाली है। अब आरती करने के बाद यहाँ पर बस अब हम आरती करने वाले हैं। माता रानी को मत्था वगैरह टेकेंगे और उसके बाद आरती के बाद बस अब अपना नाश्ता वगैरह करना जो भी करना है उसके बाद सब चले जाएंगे स्कूल, मतलब लाडू स्कूल चली जाएगी एंड बाकी सब कुछ जहाँ जहाँ आना है वो चले जाएंगे। तो अब इसके बाद जल्दी से लाडू का भी नाश्ता भी कराना है क्योंकि इसने भी नाश्ता नहीं किया था। कुछ ना कुछ तो खिला के भेजना ही है मॉर्निंग में, वरना बच्चे ऐसे निकल जाते हैं। मैं दूध तो इन दोनों को ना सुबह उठते ही पिला देती हूँ, लेकिन उसके बाद भी कुछ तो बच्चों को नाश्ता करके मतलब भेजना होता है। लंच भी मैंने इसका लगा के रख दिया था एंड कुंज को भी लंच मैंने दे दिया था क्योंकि आज तो उसकी वैसे भी फुल क्लास है। रोज़ तो ना वो 11 बजे आ जाता था क्योंकि बड़े बच्चों की जो क्लासेस बड़े बच्चों के ना पेपर थे तो उस वजह से इनकी जल्दी छुट्टियां हो जाती थी, लेकिन आज तो वैसे भी 3 बजे ही आने वाला है तो उस वजह से उसको पूरा प्रॉपर लंच दिया है एंड लाडो। तो यहाँ पूजा करने के बाद मैं जल्दी से आ गई हूँ ऊपर और अब मैं इनके लिए मतलब जो भी इनको लेके जाना है व्रत का वो चिप्स वगैरह सब इनके लिए हलवा वगैरह जो भी कुछ बनाना है वो जल्दी जल्दी से रेडी करके, क्योंकि आलू तो मैं बॉयल कर गई थी एंड उनको मैंने छील भी दिया था पहले ही। और अब बस जल्दी जल्दी तैयारी कर रही हूँ, एक तरफ यहाँ पर चिप्स भून रही हूँ मैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह एंड साबूदाने के पापड़ वगैरह, और दूसरी साइड जो है वो बन रहा है हलवा। तो उस वजह से अब जल्दी जल्दी से मैं कर रही हूँ उसकी तैयारी सब चीज़ों की। तो ये है सामान जो मैंने इसमें से निकाले थे, साबूदाने के पापड़, क्योंकि रात को लेके आए थे सामान तो मैंने ना तब ऐसे ही रख दिया था क्योंकि मैं सुबह आराम से इसमें पैंट्री में सेट करती। तो अब मैं इसके बाद इनके जाने के बाद पैंट्री में सारा सामान सेट भी करने वाली हूँ और यहाँ पर जल्दी से इनके लिए पापड़ बनाऊँगी और उसके बाद यहाँ जो है उसमें हलवे में डालूँगी ड्राई फ्रूट्स वगैरह। तो हमारी जो पूजा है वो ऑलमोस्ट 8:30 बजे तक हो गई थी और लाडो को ये स्कूल छोड़ के आ गए थे और उसके बाद वो ना रो रही थी कि मुझे मतलब मैं आपके साथ जाऊंगी, लेकिन इतना टाइम नहीं था कि मैं उसको ले करके स्कूल में इनके साथ जाऊं क्योंकि बहुत जल्दी थी सुबह के टाइम, तो सब कुछ जल्दी जल्दी ही होता है। और अब मैं जल्दी जल्दी से क्योंकि अब नाश्ता भी करके जाएंगे, एक साइड चाय भी बन रही थी मैंने चाय भी बना दी थी और उसके बाद इनके लिए जल्दी जल्दी से लंच वगैरह लगाऊंगी क्योंकि जेंट्स से जो है वो ज़्यादा भूखा नहीं रह जाता है, मतलब लेडीज़ भूखे रहने का मतलब लेडीज़ फिर भी व्रत कर लेती हैं लेकिन क्योंकि इन लोगों को बाहर जाना होता है कहीं ना कहीं तो उस वजह से थोड़ा मतलब टफ होता है इन लोगों के लिए करना। तो उस वजह से मैंने फिर जल्दी कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा ना इनके लिए फ्रूट्स वगैरह ये सारी चीज़ें मैंने थोड़ी थोड़ी करके रख दी थी और उसके बाद मैं अब चाय बना रही थी जल्दी जल्दी से। तो मतलब इतना ना भागम भाग हो जाती है सुबह को जल्दी जल्दी और फिर बस ये सारा रेडी करके मैं अब इनके लिए मैं जल्दी जल्दी इनका वो लगा रही हूँ यहाँ पर लंच। और थोड़ी थोड़ी मैंने थोड़ी थोड़ी चीज़ें रखी थी क्योंकि फिर ज़्यादा वो जाता है ना तो टाइम टू टाइम, अभी ये है कि जाके ये फिर अपने काम में लग जाते हैं तो नहीं याद रहता है, उस वजह से मैंने थोड़ी थोड़ी ही चीज़ें रखी थी कि थोड़ी मैं खाने रख दिए थे, 2 पापड़ रख दिए थे और थोड़ा सा मतलब ये रख दिए थे क्या बोलते हैं चिप्स रख दिए थे एंड फ्रूट्स रख दिए थे एंड थोड़ा सा हलवा रख दिया था। हलवा ना इसलिए बनाती हूँ मैं आलू का हलवा जो मीठे में बनाती हूँ क्योंकि एक तो नमक का नहीं खाते हैं एंड मीठे से ना आलू के हलवे से थोड़ा ये कि भूख थोड़ी कम हो जाती है, उस वजह से थोड़ा ठोस जो होता है ऐसे बोलते हैं ना कि मतलब थोड़ा सा पेट में ये कि भूख कम लगती है, उसकी वजह से मैंने इनके लिए जल्दी जल्दी ये सब फ्रूट्स वगैरह कट करके एंड ऑलमोस्ट यहाँ पर रेडी हो ही चुका है इनका लंच वगैरह जो भी मुझे लगाना था। और यहाँ बस अभी ने चाय डाल के दे दूँगी और ये बस कह रहे थे कि जल्द हो गया क्या जल्दी जल्दी कर दो मैं लेट हो रहा हूँ, तो बस वही जल्दी जल्दी करके। तो अब 12 बज गए थे दोपहर के और मैं लाडू को लेने आ गई थी, तो लाडू के जब तक पेपर थे ना तो ये भी 11 बजे ही आती थी लेकिन अब उसके एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं तो मैं यहाँ पर इसको लेने चली गई थी 12 बजे। और उसको लेके आने के बाद ये अब शाम का टाइम, मतलब मैंने जो आज के लोग में ज़्यादा काम किया है वो खाना बनाने का ही किया है क्योंकि मैं पूजा तो कुछ कर नहीं सकती थी और पूजा की भी मैं कुछ तैयारी का इतना खास कुछ डाल नहीं पाई क्योंकि मैं वहाँ जा भी नहीं सकती थी, तो उस वजह से जो भी सारी सफाई वगैरह की थी क्योंकि उसमें मम्मी से कुछ पूछने गई थी नीचे तो वो भी मैंने इसलिए थोड़ा सा मैंने वीडियो बना ली थी उसकी, वरना तो लास्ट ईयर की तरह मैं पूरा प्रॉपर सफाई की मैं मतलब जैसे पूजा घर की हमारी सफाई होती है एक दिन पहले क्योंकि पानी वगैरह से हर चीज़ से ना धुलता वगैरह तो उस वजह से मैं सारी प्रॉपर वीडियो डालती लेकिन वो मैं नहीं डाल पाई एंड मॉर्निंग की पूजा भी मतलब ऐसे नहीं हुआ, एक तो मन भी नहीं लग रहा था ना क्योंकि हम जब प्रॉपर पूरी तरीके से अपनी जो पूजा होती है हम वो नहीं कर पाते तो उस वजह से भी
मैं फिर खुद भी मैंने अपनी पूजा नहीं की थी, तो उस वजह से मैंने कुछ ज़्यादा वीडियो भी नहीं बनाई। और मॉर्निंग में ऐसा था कि सबको जल्दी जल्दी जाना था और पापा जी वगैरह भी चल गए थे, तो जो हमारे पार्ट वगैरह होते हैं ना, मैं उसका भी कुछ नहीं बना पाई। एंड उसके बाद जो पार्ट होता है वो मम्मी ही करती हैं, दुर्गा सप्तशती जी का जो पार्ट होता है ना वो मम्मी करती हैं। शाम को भी क्योंकि कुछ पूजा वगैरह नहीं होनी थी, मैं नहीं जा पाती उसमें, तो क्योंकि अब मैं भोग का सामान बना रही हूँ, माता रानी का भोग बना रही हूँ यहाँ पर। तो यहाँ मैं बनाने वाली हूँ घी की सब्जी एंड पूरी बनाने वाली हूँ कुट्टू। और ना क्या था, क्योंकि पूजा वगैरह जब नहीं कर पाते हैं तो थोड़ा मन भी ना अजीब सा ऐसे रहता है कि भाई, वरना तो हर बार क्या होता है कि मम्मी कीर्तन, मतलब कीर्तन वगैरह भी होता है और शाम को मतलब बैठते हैं तब पूजा वगैरह करते हैं, तो मम्मी के मतलब भजन वगैरह गाती थी, तो उस वजह से तो बहुत ज़्यादा मन लगता था। अब क्या है कि जल्दी जल्दी वो करना होता है खाने पीने का, और पूजा में मैं ना बैठ ही सकती थी ना कर ही सकती थी, तो उस वजह से थोड़ा सा मतलब मन भी अच्छा सा नहीं लग रहा था, तो उस वजह से मैंने ज़्यादा कुछ वीडियो भी नहीं बनाई। और यहाँ पर बस अब मैं बनाने वाली थी चटनी, क्योंकि पकोड़ों के साथ हरे धनिया की चटनी बनाई थी मैंने, तो मैंने इसमें डाला था हरा धनिया और व्रत वाला नमक एंड दही डाल देती हूँ मैं थोड़ी सी, एंड पीनट्स डाल देती हूँ, मतलब काजू बादाम वगैरह थोड़े से, एक एक दो दो ये डाल देती हूँ, एंड थोड़ी सी अदरक एंड हरी मिर्च डाल के मैं यहाँ पर चटनी बनाने वाली हूँ। तो हमारी चटनी ऑलमोस्ट बन के रेडी हो चुकी है, और अब मैं कर रही हूँ यहाँ पर कुट्टू के आटे की जो पूड़ी बनानी है उनकी तैयारी। तो यहाँ पर मैंने आलू बॉईल कर ही लिए थे, और आलू को छील के उसके बाद मैं कर रही हूँ ना कद्दूकस। तो मैं ना छोटे वाला कद्दूकस लेती हूँ, क्योंकि मतलब इसमें ना बहुत बारीक से निकलते हैं आलू कद्दूकस होते हैं, तो उससे क्या होता है कि उसमें ना अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। और अगर कुछ मिठाई वगैरह बनानी होती है, जैसे घी का हमें हलवा बनाना है, मिठाई बनानी होती है, तो मोटे वाले कद्दूकस का मैं यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर मुझे ना यही सही लगता है, क्योंकि इससे बहुत बारीकी से जो आलू है वो कद्दूकस हो जाते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर मैं इसमें डालने वाली हूँ कुट्टू का आटा एंड सिंगाड़े का आटा। तो कुट्टू का आटा ना थोड़ा कम ही मिक्स होता है, क्योंकि सिंगाड़े का आटा वो थोड़ा ज़्यादा पानी छोड़ता है, तो उसकी बाइंडिंग के लिए तो मैं मिक्स करके डालती हूँ। और उसके बाद मैं डालने वाली हूँ इसमें थोड़ा सा नमक एंड उसको थोड़ा सा इसमें मैं डालूँगी देसी घी। और उसके बाद अच्छे से, क्योंकि मैं ना पानी का यूज़ नहीं करती हूँ बिल्कुल भी इसमें, जो भी मतलब जो आलू होते हैं ना मैं थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में लेती हूँ, तो उससे क्या होता है कि आटे की जो बाइंडिंग है वो अच्छे से हो जाती है। आटे को बाइंड करने से पहले मैं क्या करती हूँ, हाथों में थोड़ा सा घी लगा लेती हूँ, क्योंकि उससे ना क्या होता है कि हाथ चिकने हो जाते हैं, तो हाथों में वो नहीं लगता है, आटा नहीं लगता है। तो यहाँ पर आटे को लगाने के बाद, और यहाँ पे ना मैं इसको देखो अच्छे, पहले थोड़ा थोड़ा करके इसको अच्छे से इसमें मैश कर लूँगी, और उसके बाद प्रॉपर पूरे टाइट हाथ से। तो यहाँ ना हमारी पूरी बन के रेडी हो गई थी, और मैं क्या करती हूँ पूरी बनाने के लिए ना मैं थोड़ी इलेक्ट्रिक यूज़ करती हूँ, मैं एक पॉलीथीन मंगवा के रखती हूँ, मतलब जो बुक्स वगैरह पे कवर लगाते हैं, तो हाथों से नहीं इतना जैसे मेन नहीं बन पाती है, तो मैं थोड़ा सा घी लगा के उनकी लोई बना के उस पर रखती हूँ। ऊपर से जब हम प्रेस करते हैं तो थोड़े थोड़े हल्के हाथों से उसे दबाइए, तो वो तो क्या होता है उससे ना पूरी प्रॉपर शेप में आ जाती हैं और पूड़ियाँ बन जाती हैं उससे आराम से, मतलब मोटी पतली ऐसे नहीं रहती, पूरी इक्वल बनती है। और यहाँ हमारा माता का भोग बन के रेडी हो गया है। तो भोग में था, मैंने आलू का हलवा बनाया था, दो ही आलू का बनाया था, क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ मीठा खाती नहीं हूँ, और मॉर्निंग में इन्होंने, क्योंकि वो मैंने आलू का हलवा बना दिया था, तो सिर्फ क्योंकि मीठे से भोग मतलब खोलते हैं व्रत, तो उस वजह से मैंने थोड़ा सा ही बनाया। और मैंने यहाँ पर बनाए थे कुट्टू के पकौड़े, कुट्टू की और सिंगाड़े के आटे की पूड़ियाँ बनाई थी, चटनी बनाई थी एंड घी की सब्जी। एंड यहाँ पर माता रानी के भोग की थाली मैंने लगा के रख दी, और उसके बाद माता रानी की थाली लग गई। और यहाँ पर ये ना अभी आए हैं, मतलब ये लेट हो गए थे, तो टाइम जो हुआ है वो अभी 11 बजे का टाइम हुआ है ऑलमोस्ट, क्योंकि ये लेट हो गए थे आने में, मतलब 11 बजे के आसपास ये आए थे, तो उस वजह से थोड़ा हम लोगों ने व्रत भी जो है वो लेट ही खोला था। तो अब ये था हमारा आज का ब्लॉग। तो आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने अच्छे अच्छे कमेंट करें। और ये था माता रानी का हमारा डे वन का ब्लॉग। तो हमारा डे वन कुछ ऐसा रहा अब की बार, तो मतलब हर बार की तरह थोड़ा कुछ अलग था इस बार, मतलब जो करना था वो मैं नहीं कर पाई, या पूजा वगैरह जो भी, तो बहुत सारी चीज़ें थी। तो वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, और अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।